जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसे। और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। और ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। तो चलो हम ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 4 के मल्टीपल में 16 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो 18 फंदे डाल लिए। उल्टी सिलाई मैंने निकाली। ये डिजाइन हमारा राइट साइड से बनेगा। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, फिर पहले फंदे को बैक साइड से सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम छोड़ेंगे नहीं, फिर इस फंदे को और अगले फंदे को, आगे 2 फंदों में से एक फंदा और बनाएंगे, तो 2 में से 2 फंदे हो गए, फिर इन 2 फंदों को नहीं छोड़ेंगे, फिर आगे 3 फंदों में से एक फंदा और बनाएंगे, फिर इन 3 फंदों को नहीं छोड़ेंगे, फिर आगे 4 फंदों में से एक फंदा और बनाएंगे। इस तरह हमारे 4 के 4 फंदे हो गए। अब इन 4 फंदों को हम छोड़ देंगे, फिर आगे भी इसी तरह से बनेगा। पहले एक फंदा बनाया, फिर 2 फंदों में से हमने दूसरा फंदा बनाया, फिर 3 फंदों में से तीसरा फंदा बनाया, फिर 4 फंदों में से चौथा फंदा बनाया, और इन 4 फंदों को हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। 1, 2, 3, 4 चारों फंदों को हम छोड़ देंगे। 1, फिर 2 फंदों में से 2, 3 फंदों में से 3, फिर 4 फंदों में से 4 फंदों को छोड़ देंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा उठा लेंगे। इस तरह हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो बनती है। अपने डिजाइन की हम सेकंड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। एज स्टिच को स्लिप करते हैं, सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और उल्टा बनाते हुए अपनी इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से। अब एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे। अब आगे हमारा डिजाइन अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, तो बीच के इन 4 फंदों में हमारा डिजाइन बनेगा। तो शुरू के 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं, फिर पहले फंदे में से बैक साइड से एक फंदा बनाया, फिर आगे 2 फंदों में से दूसरा फंदा बनाया, फिर आगे 3 फंदों में से तीसरा फंदा बनाया, और 4 फंदों में से चौथा फंदा बनाया, फिर इन 4 फंदों को हम छोड़ देंगे। फिर पहले फंदे में से हमने एक बनाया, फिर आगे 2 फंदों में से दूसरा फंदा बनाया, फिर 3 फंदों में से तीसरा फंदा बनाया, और फिर 4 फंदों में से चौथा फंदा बनाया, फिर इन 4 फंदों को हम छोड़ दें। इस तरह से हमारे डिजाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है। लास्ट के 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे।
इस तरह हमारी डिजाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम फोर्थ रो में आ गए जो हमारी रोंग साइड्स है। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी फोर्थ रो को कंप्लीट करते हैं और इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने अपनी चार सिलाई निकाल के अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। अब वापस से हमारा डिजाइन शुरू के चार फंदों में बनेगा जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी, और बनने के बाद हमारा डिजाइन इस तरह से दिखता है। बैक साइड से हमारा डिजाइन इस तरह से रहता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।